हेलो एवरीवन, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्लफ्रेंड बनाने के बाद ये परेशानियां ज़रूर आती हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने रिश्ते को सही तरह से मेंटेन कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप रिलेशनशिप में आते हो ना, तो उस टाइम पे आपकी लाइफ में और आपकी पार्टनर की लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत से बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। या आप यूँ भी कह सकते हो कि ये परेशानियाँ आपको गर्लफ्रेंड के साथ साथ में फ्री में मिलते हैं। और इसकी वजह से क्या है कि आप अपने रिश्ते में खुश नहीं रह पाते हो। तो आज की वीडियो इससे रिलेटेड है और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने रिश्ते में खुश रह पाओगे, अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि गर्लफ्रेंड बनाने के बाद कौन सी परेशानियाँ ज़रूर आती हैं। तो सबसे पहली परेशानी है कि आपको टॉर्चर होना पड़ता है, ठीक। टॉर्चर इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि आपकी पार्टनर जो है आपको चाबुक से मार पिटाई करने लगेगी या आप पे कोड़े बरसाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो टॉर्चर अपनी बातों से ही आपको करेगी, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसकी बातों से इतना ज़्यादा इरीटेट हो जाओगे, इतना परेशान हो जाओगे कि आप ये सोचोगे कि ये तो मुझे टॉर्चर कर रही है। जैसे कि अब तुम बदल गए हो, ठीक है, अब तुम मुझे उतना प्यार नहीं करते, पहले हम कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, ठीक है, पहले हम ये करते थे, वो करते थे। इस तरीके की बातें आपको अपनी पार्टनर की तरफ से सुनने को मिलेगी। हर रोज़ वही रोना धोना, इस तरीके से आपको लगेगा, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस हिस्से से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगोगे, इरीटेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ वो ना मुझे टॉर्चर करिए। इस तरीके से आप अपने रिश्ते में खुश भी नहीं रह पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये परेशानी आपको ना झेलनी पड़े, तो इसके लिए आप रिलेशनशिप में आने से पहले ही उन चीज़ों को मेंटेन करना शुरू कर दो, ठीक है, ताकि इस परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। इसके अलावा दूसरी परेशानी ये है कि आपको अपने पार्टनर की तरफ से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। यूँ भी कह सकते हो एक तरह से सवालों की बौछार होना, ठीक है, जरा सा आपने कॉल रिसीव नहीं करा या आपका फ़ोन बिजी जा रहा है और वो कॉल कर रही है, तो आपको रिप्लाई में देना पड़ेगा, ठीक है, उनका जवाब देना पड़ेगा कि कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे, मैंने मैसेज करा था, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं करा, ठीक है, फ़ोन बिजी क्यों जा रहा था, कब से वेट कर रही थी, कहाँ रह गए थे, क्या कर रहे थे। इस तरीके के सवाल आपको सुनने को मिलेंगे और हर सवाल का आपको जवाब देना भी पड़ेगा। जवाब नहीं दिया फिर तो सोचो खैर ही नहीं। तो ये चीज़ें नॉर्मली रिलेशनशिप में आती हैं और इसकी वजह से कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक टाइम पे जो है आप अपने रिश्ते से बहुत ज़्यादा इरीटेट होने लगते हो। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग जो हैं ब्रेकअप भी कर लेते हैं। तो अगर आप इस परेशानी का सामना नहीं करना चाहते हो, तो कोशिश करो कि इन चीज़ों को पहले से ही ठीक रखो। अगली परेशानी है कि रिलेशनशिप में आने के बाद मोस्टली लड़कियां जो अपनी पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं, ठीक है, ताकि जो उनका पार्टनर है या उनका जो बॉयफ्रेंड है उनके कंट्रोल में रहे, उनके अंडर में है, ठीक है। मोस्टली लड़कियां ऐसा करती हैं उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके, जैसे कि उन्हें मिलना हो, अगर पार्टनर नहीं आ रहा या फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो वो इस तरीके की बातें बोलती हैं, अच्छा तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते हो, ठीक है, मैं हूँ ही कौन तुम्हारी, इस तरीके के शब्दों का यूज़ करके अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता भी है और इसके वजह से क्या होता है, बेचारे लड़के अपने पार्टनर के हमेशा आगे पीछे घूमते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं, बट मोस्टली लड़के तो ऐसे ही करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी परेशानियाँ थी जिसका सामना आपको रिलेशनशिप में आने के बाद ज़रूर करना पड़ता है। तो अगर आप अपने रिश्ते में खुश रहना चाहते हो, तो आप इन चीज़ों को पहले से ही मेंटेन करके रखो, ठीक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।